Welcome to Info Capsule's English Language session. Today we will be discussing little, a little, and a little. Whenever we hear these three words, what is the first thing that comes to our mind? Maybe less, little, very less, right? So today we will be discussing little, a little, and a little. So the first thing that comes to our mind is come, thoda right? Thoda So.

मीन्स उसके पास हार्डली कोई पैसे हैं कि वो खर्च कर सके राइट right? बहुत ही कम या हार्डली एनी राइट देर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी मीन्स उसकी रिकवरी की होप जो है वो ना के बराबर है हार्डली एनी स्कोप ऑफ हिज रिकवरी राइट सो इट हैज रिटन इट हैज बीन इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी द नेक्स्ट सेंटेंस द रिच मैन हार्ड लिटिल कंसर्न फॉर द पुअर मीन्स यहाँ पे एक बात हो रही है जो एक रिच क्लास है उसके उसको हार्डली एनी कंसर्न है टूवर्ड्स राइट ही हैज लिटिल कंसर्न कंसर्न और और मे बी नो हार्डली एनी कंसर्न फॉर दी पुअर राइट सो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं लिटिल मतलब जो ना के बराबर हो या हार्डली एनी के बराबर हो अब नेक्स्ट कम्स अ लिटिल अ लिटिल का मतलब क्या हुआ इट मीन्स सम बट लेस अमाउंट मीन्स लिटिल से ज्यादा पर बहुत ज्यादा नहीं थोड़े से थोड़ा ज्यादा राइट इट हैज अ पॉजिटिव कन्टेशन अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो लास्ट लाइट में लिटिल का एग्जाम्पल था उसमें उन्होंने क्या डिस्कस किया था कि द तो डॉक्टर वॉज अपसेट बिकॉज उसका द पेशेंट है राइट मतलब पेशेंट के पास रिकवरी का हार्डली एनी स्कोप था

अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंक यस इन डीड इट इज क्योंकि अ लिटिल मतलब होता है थोड़ा या थोड़े से थोड़ा ज्यादा राइट right? और जो नॉलेज थोड़ी होती है ना वो हमेशा खतरनाक होती है दैट इज वाई वी से अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग लिटल नॉलेज दिक्कत नहीं देती है बिकॉज वो हार्डली एनी नॉलेज है बट जहाँ अ लिटल आ गया ना नॉलेज जो है फिर वो धोखा दे जाती है बिकॉज उसमें कुछ होता नहीं है बट फिर भी वी थिंक बहुत नॉलेज है राइट दैट इज वाई वी से अ अटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग राइट द नेक्स्ट देन नेक्स्ट कम्स द लिटिल द लिटिल मीन्स नॉट मच बट ऑल दैट इज देयर मतलब थोड़े से थोड़े से थोड़ा ज्यादा बट जितना है वो पूरा राइट right? एंड अगर मैं एक सेंटेंस सेकेंड सेंटेंस देखेंगे तो आई हैव रिटन Followed by a noun with that after it. This will be clearer with the examples. Now the example says, the little grain that he had was spoiled in the rain. A I second sentence the little followed by a noun with that after it, right? उस केस में भी हम लोग क्या यूज करते हैं द लिटिल यूज करते हैं अब देखिए द लिटिल क्या हो गया द लिटिल हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया ग्रेन हमारा क्या हो गया नाउन हो गया अन फॉलोड विथ डाट राइट उस केस में हम लोग क्या यूज करेंगे द लिटिल द लिटिल ग्रेन दैट वी हैड वाज पॉइड इन द द लिटिल राइस राइस इज अगेन अ नाउन डट आई हैड लेफ्ट ऑन माई प्लेट वॉज इटन बाई आर डॉग जो थोड़ा बहुत राइस मैंने प्लेट पर छोड़ा था वो मेरे पेट ने आके खा लिया हमारे लिए थोड़ा था पर वो प्लेट में जितना भी था ना वो सब डॉग ने खा लिया डेट इज वी है लिटिल राइट अगर फर्स्ट एग्जाम्पल भी देखें तो वी हैवन द लिटिल ग्रेन दैट वी हार्ड इन दी रेन थोड़ा ग्रेन था पर जितना भी था वो सारा रेन से क्या हो गया स्पॉइल्ड हो गया लिटिल मीन्स जितना थोड़ा है पर जितना है वो पूरा है राइट right? सो so, हम लोग ने अटिल डिस्कस किया द लिटिल किया और लिटिल किया सो नाउ इन आई कैन से लिटिल इज नॉट मच और हार्डली एनी एंड इट हैज नेगेटिव कन्वर्टेशन अ लिटिल मीन्स सम लिटिल से थोड़ा ज्यादा एंड इट हैज अ पॉजिटिव कन्वर्टेशन और अगर हम द लिटिल की बात करें इट मीन्स स्मॉल अमाउंट बट ऑल दैट इज देयर राइट एंड नॉर्मली द लिटिल द द लिटिल लिटिल कैरीज प्लस नाउन प्लस दैट अब दैट कैन ईदर बी इम्प्लाइड और स्टेटेड अगर मैं प्रीवियस एग्जाम्पल देखूँ द लिटिल राइस अगर हम दैट ब्रैकेट में लिखा दैट इज ओके बट अगर नहीं भी लिखा होता इट मीन्स यहाँ पे इंप्लाइड आ गया है दैट द लिटिल राइस आई लेफ्ट ऑन माइ प्लेट वॉज इटन डॉग जो थोड़ा राइस मैंने प्लेट में छोड़ा था वो राइस मेरे डॉग ने आकर खा लिया जो वो होता है इट मींस दैट का ही यूज होता है राइट द लिटिल राइस अगर दैट नहीं भी ब्रैकेट में तो तो भी इस केस में द लिटिल ही यूज करते क्योंकि एक आ, यहाँ पे वो यूज हो गया ना द लिटिल राइस द लिटिल थोड़ा बहुत राइस जो प्लेट में था वो मेरे डॉग ने आकर खा लिया राइट सो इन आई हैव रिटन थ्री रूल्स कि कब लिटिल यूज करते हैं कब लिटिल यूज करते हैं कब द लिटिल यूज करते हैं आई होप आपको जो भी थोड़े डाउट्स हुए होंगे जो लिटिल द लिटिल में वो क्लियर हो गए होंगे एंड uh, कोई भी डाउट हो प्लीज़ डू विजिट आर वेबसाइट इन्फो कैप्स्यूल वहाँ पे यू हैव एनी डाउट्स की लीव योर क्वेरीज देयर लीव योर डाउट्स देयर आई आई रिप्लाई टू यर डाउट्स इमिडिएटली जितना सुन हो सकेगा मुझसे आंटिल देन चांच रस्तोगी साइनिंग ऑफ टेक केयर बाइक